नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिटी रिहैब पर। आज हम ये एक इंटरव्यू सेगमेंट की शुरुआत करने जा रहे हैं, जहां पर आज हमारे पहले गेस्ट बने हैं डॉक्टर पुष्पेंद्र राज। पुष्पेंद्र राज जो कि डायरेक्टर हैं फिजियो वर्क्स इंडिया, जयपुर में इनका क्लिनिक स्थित है, और करंटली ये चंडीगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन के साथ में एज ए स्पोर्ट्स फिजियो काम कर रहे हैं। तो पुष्पेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत नमस्कार। जैसा कि आपने टीजर में देख ही लिया कि आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक है टेप के ऊपर, स्पोर्ट्स टेपिंग। स्पोर्ट्स में जो है टेप का क्या रोल होता है, आपने बहुत बारी ये देखा होगा कि जैसे ही खिलाड़ी को कोई चोट लगती है, फिजियो आता है ग्राउंड पर दौड़कर और उसको कुछ टेप करता है और प्लेयर जो है वापस ग्राउंड में खेलने के लिए तैयार हो जाता है। तो वो टेप क्या होती है, कौन सी वो टेप्स होती हैं और उनका क्या रोल होता है और कैसे उनको लगाने के बाद में प्लेयर जो है वापस खेलने की स्थिति में हो जाता है, तो इन्हीं सब टॉपिक्स पे, इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर पुष्पेंद्र हैं। डॉक्टर पुष्पेंद्र, जैसा कि मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि आप एक स्पोर्ट्स फिजियो के तौर पर काम कर रहे हैं, तो स्पोर्ट्स में ये चीज़ बड़ी कॉमन है जी। जैसे हम ग्राउंड पे होते हैं और किसी भी प्लेयर को कोई चोट लगती है तो हमने बहुत ही बार ये देखा है और हमारे जो व्यूवर्स हैं, ऑडियंस हैं, ये भी देखते होंगे कि जब फिजियो आता है तो उसको कोई टेप करता है और प्लेयर वापस उसी स्थिति में खेलने को तैयार हो जाता है। तो ये टेप है क्या और इसका स्पोर्ट्स में क्या इतना अहम योगदान है? जी, इंडियन सिनेरियो में टेप अभी आप करंट कुछ टाइम से देख रहे हो, लेकिन बाहर स्पोर्ट्स मेडिसिन में ऐसा स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी से बहुत टाइम से यूज़ हो रहा है। बड़ी बड़ी कंपनी जो उसका प्रोडक्शन करती हैं और काफ़ी वहाँ ऑलरेडी काफ़ी ट्रेंड में है और लोग वहाँ ऑलरेडी इसके बारे में, इसके यूज़ के बारे में एज ए लेमैन या कुछ न्यू फिजियोस जो जानना चाहते हैं और स्पोर्ट्स पर्सन, वो परिचित हैं इसके कंसेप्ट के पीछे। इंडिया में थोड़ा सा अभी ये डेवलप हो रहा है तो लोग जानना चाह रहे हैं और जानने लगे भी हैं कि कैसे रहता है। तो टेप का कंसेप्ट बेसिकली क्या है कि ये टेप आपके जो जॉइंट हैं, जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, सपोज कोई भी इंजरी हुई उस स्ट्रक्चर्स को ये उस तरीके से इसको जो टेक्निक्स हैं उसके साथ इसको यूज़ किया जाता है, उस तरह से इसको रैप किया जाता है। तो ये स्ट्रक्चर्स को और मसल्स हो गए, लिगामेंट्स हो गए, उनको ये सपोर्ट और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। और जब वो इंजरी हुई तो उसको सपोर्ट स्टेबिलिटी प्रोवाइड हुई तो थोड़ा सा मूवमेंट उसका कम होता है, लेकिन जॉइंट को सपोर्ट मिलता है। तो जब जॉइंट को सपोर्ट मिलता है तो वहाँ पर वो हीलिंग प्रोडक्शन, हीलिंग पार्ट शुरू हो जाता है उसका, तो उससे काफ़ी आराम मिलता है प्लेयर को। जी डॉक्टर पुष्पेंद्र, जैसा कि आपने बताया कि हीलिंग को बड़ा प्रमोट करती है टेप, और जैसे हम उसको टेप अप्लाई करते हैं तो वहाँ का प्रोसेस जो है हीलिंग का वो थोड़ा सा इन्हांस हो जाता है और प्लेयर को पेन जो है वो कम फील होगा, ना के बराबर हो जाता है, पेशेंट जो है, प्लेयर जो है ईजिली आराम से प्ले कर सकता है। जी, दूसरा सर, हम ये जानना चाहेंगे कि ये किस तरीके की टेप्स होती हैं जो स्पोर्ट्स एज ए स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट या आप ऑन फील्ड उनको यूज़ करते हैं? जी जी जी, तो मैं बताना चाहूँगा कि इसमें करीब 4-5 तरह के टेप होते हैं। इनका यूज़ अलग अलग प्रिंसिपल पे यूज़ अपन करते हैं ना। तो सपोज़ अगर आप देख पा रहे हैं तो इसको अपन बोलते हैं रिजिड या जिंक ऑक्साइड टेप या ल्यूको टेप। ये बेसिकली इसका यूज़ जॉइंट को सपोर्ट और स्टेबिलिटी देने के लिए है, पर ये आपका जो रेंज ऑफ मोशन है, मूवमेंट है, उसको थोड़ा कम कर देता है। तो ये मैक्सिमम सपोर्ट के हिसाब से अपन इसको यूज़ करते हैं। साथ में आप दूसरा देख पा रहे होंगे, इसको बोलते हैं इलास्टिक एडहेसिव। थोड़ा इसमें प्रॉपर्टी होती है इलास्टिसिटी वाली होती है, तो ये भी जॉइंट को सपोर्ट करता है, लेकिन ये थोड़ा सा आपको जिंक ऑक्साइड के कम्पलीटली थोड़ा सा लेस सपोर्ट करता है। तो आपको डिफाइन करना है कि आपका यूज़ क्या है। अगर प्लेयर है उसको मोबिलिटी थोड़ा सा चाहिए साथ में, तो रेंज ऑफ मोशन थोड़ा सा बेटर चाहिए, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। साथ में ये कोहेसिव टेप है। जब आपके पास इतना टाइम नहीं होता, आपको बेसिक प्रिंसिपल फॉलो करते हुए जस्ट आपको स्पोर्ट टेपिंग करनी है, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। इसी प्रकार से कोहेसिव एडहेसिव है, तो इसका भी एक पर्टिकुलर रोल रहता है। तो ये अलग अलग तरह के टेप हैं। साथ में आप देख पा रहे होंगे ये कानेसो टेप है। ये कानेसो टेप टेपिंग इसमें कह लीजिए कि लिफ्टिंग या डिकम्प्रेशन थ्योरी पर ये बेस्ड होता है। तो अपना अपना प्रिंसिपल है इसका यूज़ करने का। ये अलग अलग टेप्स हैं उस हिसाब से, तो आपके यूज़ और प्रेजेंट मैच में क्या नीड है उस तरह से टेपिंग होती है और उस तरह के प्रिंसिपल में काम करते हैं। जी डॉक्टर पुष्पेंद्र, जैसे कि आप बता रहे हैं कि बहुत डिफरेंट टाइप्स की टेप्स होती हैं और अलग अलग पर्पज़ के लिए अलग अलग टेप यूज़ करी जाती है। डॉक्टर पुष्पेंद्र, ये बताइए कि क्या प्लेयर जो है खुद इन टेप्स को यूज़ कर सकता है? जनरली वही है, क्योंकि काफ़ी प्रैक्टिस और काफ़ी नॉलेज और पीछे मोटो क्या है, पर्पज़ क्या है इसको लगाने का,
वो आपका दिमाग में क्लियर होना चाहिए। तो वो अगर आपको नहीं पता तो आप इसको लेमेन की तरह इसको अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसके पीछे लगाने के पीछे एक प्रिंसिपल है, उस जॉइंट को उस इंजरी को उसको सपोर्ट करना है। अगर वो आप प्रॉपर नहीं कर पा रहे तो फिर अगर आप कर रहे हैं तो फिर वो वेस्ट है एक तरीके से। जी तो बिल्कुल ये सही बात है, क्योंकि जिस तरीके से हम एज अ फिजियो कोर्सेज होते हैं और टेप को करते टाइम पे हमारे दिमाग में एक मोटो होता है कि हमें ये टेप कर क्यों रहे किसी प्लेयर के ऊपर। जी तो डॉक्टर पुष्पेंद्र, जो मेरा अगला सवाल है आपसे वो ये रहेगा कि एक बार टेप अप्लाई करने के बाद में कितनी देर तक वो इफेक्टिव रहती है, और जैसा कि ये बहुत सारे प्लेयर पूछते हैं कि भैया कब मुझे ये टेप हटानी है और कितने दिन तक मुझे लगाना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे मैंने बताया रिजिड टेप, जिंक ऑक्साइड, इलास्टिक एडेसिव, ये मैक्सिमम आप इनको अब 24 to 48 hours तक रख सकते हैं। अल्टरनेस जो इनका जो एडेसिव पार्ट होता है, जिंक ऑक्साइड जो एडेसिव जो होता है वो स्किन के साथ एलर्जी ना करें, हालांकि उसको भी प्रिवेंशन करने के लिए आपको अंडर रैप टेप की जरूरत होती है। तो अल्टरनेस जहाँ तक अगर आपको ये स्किन में इशूज़ या एलर्जीज इचिंग वगैरह नहीं दे रहा तो आप इसको रख सकते हैं, इसका मैक्सिमम यूज़ ले सकते हैं, क्योंकि वो आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है और हीलिंग प्रमोट कर रहा है जॉइंट को, लिगामेंट्स को साथ में। अगर काइनेसो टेप की बात करें तो अपन इसको 72 आवर्स तक रख सकते हैं, क्योंकि इसका जो कम्प्लीटली जो इफेक्ट है टिश्यू के साथ या स्किन के साथ एलर्जी वाला, वो थोड़ा सा लंबा पाया जाता है, वो उतना जल्दी नहीं आता है। तो इसको और आप लॉन्ग टर्म तक आप रख सकते हैं, करीब आप आराम से बेहतर रहने तक। जी सर। डॉक्टर पुष्पेंद्र, अगला सवाल मेरा ये है कि क्या टेप एक परमानेंट सॉल्यूशन है, इलाज है किसी भी इंजरी का? जी, जैसे अपन फिजियोथेरेपी में बोलते हैं कि कोई भी एक जो कंसेप्ट है वो परमानेंट अपने आप में पूरा इलाज नहीं होता, मिलकर के जो पूरा कंसेप्ट है, जब सपोज अगर अपन स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी स्पोर्ट्स ट्रीटमेंट की बात करें तो कुछ बेसिक कंसेप्ट है जिसमें अपन आइसिंग, क्रायोथेरेपी एंड टेपिंग एंड कुछ एनासिड्स वगैरह टैबलेट जो सूजन और पेन को कम करने वाली, ये बेसिकली मैं ग्राउंड फील्ड मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, तो ये अपने आप में कम्प्लीट ट्रीटमेंट होता है। स्पोर्ट टेपिंग एक उसका पार्ट है, तो अपने आप में स्पोर्ट पूरा नहीं मानकर कि अपन उसका एक पार्ट मानते हैं जो बेसिकली अपन को पूरा फुल 0 to कम्प्लीट रिकवरी देता है। जी, मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि खाली टेप ही एक सॉल्यूशन नहीं है, उसके साथ वो एडिशनल ट्रीटमेंट भी जरूरी है, क्योंकि हीलिंग खाली टेप से ही नहीं होनी है, बाकी जो फिजियोथेरेपी का पार्ट है वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना टेप का है। ऑन फील्ड की हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा जो है टेप यूज करी जाती है जी, और इंस्टेंटली प्लेयर जो है वो उसको रिलीफ भी मिलता है और इमिडिएटली वो खेलने भी लग जाता है जी। तो क्या मैच के बाद में जो उसको इंजरी हुई थी वो बढ़ सकती है, या फिर वो उस टेप का क्या करने का बेनिफिट रहता है उस टाइम पे? जैसा कि मैंने बताया कि उस टाइम अपन ने जब कुछ पहले तो अपना कुछ पैरामीटर्स हैं जिसको अपन डिसाइड करते हैं कि यार प्लेयर अंदर रहना है या बाहर रहना है, और अगर अंदर रहना है तो फिर उसको अपन टेपिंग कर रहे होते हैं उस टाइम पे सपोर्ट करके। कुछ मैच की भी ऐसी कंडीशंस होती हैं कि प्लेयर का अंदर रहना कई बार इंपॉर्टेंट होता है, तो टेप अपन ने जब भी किया तो उस टेप का कंसेप्ट क्या है कि आप उस तरीके से कीजिए, कई बार कोर्सेज में बताया जाता है किस तरह से आपको टेप करना है, और वो आपको जॉइंट को पर्टिकुलर जो भी स्ट्रक्चर्स उनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, मूवमेंट्स को कम करता है, सपोर्ट स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, जिससे फर्दर जो भी मूवमेंट्स हैं उसमें वो जॉइंट आराम से मूवमेंट कर पाए, फर्दर जो भी आपके मूवमेंट्स कटिंग मूवमेंट रनिंग या लैंडिंग जो भी अपन करना है। बाद में आपके ऊपर है कि आप कितना टाइम तक रखना चाहते हैं, कुछ प्लेयर तुरंत मैच के बाद उसको निकाल देते हैं, अगर आपको प्रॉपर पूरा इम्पैक्ट चाहिए, उसका रिजल्ट चाहिए, तो आप फर्दर भी आगे तक रख सकते हैं उस टाइम। जी डॉक्टर पुष्पेंद्र, आपके साथ हमें बात करके बहुत अच्छा लगा, और ये कुछ ज़रूरी जानकारी थी टेप के बारे में जो आपको एज अ प्लेयर एज अ पेशेंट आपको जानना बहुत ज़रूरी था, और डॉक्टर पुष्पेंद्र ने बहुत बखूबी से इनको एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से टेप को यूज़ करना है, क्या इनका मोटो है, क्या इनका इफ़ेक्ट, किस तरीके से इनका इफ़ेक्ट आता है, कितने टाइम तक इनको रखना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। तो डॉक्टर पुष्पेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।